अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर इंतजामिया के साथ मुजाकरात कामयाब हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल 2 बजे से 5:30 बजे तक जलसे की इजाजत दे दी गई है। जी हाँ, अपने नाज़रीन को बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर इंतजामिया के साथ मुजाकरात कामयाब हो गए हैं और हाई कोर्ट की जानिब से दी गई डेडलाइन में अब कामयाबी मिली है और 2 बजे से 5:30 बजे तक जलसे की इजाज़त मिली है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सिर्फ अपने नाज़रीन को बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल 2 बजे से 5:30 बजे तक की इजाज़त मिली है कि वो 2 बजे से 5:30 बजे तक जलसा कर सकेंगे। ज़िले इंतज़ामिया ने PTI को रिंग रोड काहना में जलसे की इजाज़त दे दी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 8 सितंबर के जलसे में सख्त ज़बान पर माफ़ी मांगना होगी, ये भी नोटिफिकेशन में कहा गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI को दोपहर 2 बजे से 5:00 बजे तक जलसा करने की इजाज़त होगी। अपने नाज़रीन को बताएं, इससे पहले जो PTI के लॉयर्स थे और DC लाहौर के दरमियान डेडलॉक था टाइमिंग के हवाले से कि टाइमिंग को बढ़ाया जाए और उसको रात तक करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब PTI को इस शर्त पर इजाज़त मिली है कि वो दोपहर 2 बजे से 5:00 बजे तक लाहौर में जलसा करेगी। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असबा बुखारी का कहना है कि क्या गारंटी है कि जलसा पुरअमन होगा। इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए, रास्ता बंद करने और कंटेनर्स लगाने का प्रोपेगेंडा ना करें। पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर? किसी को रोका है ना ही रोका जाएगा। बानी PTI पंजाब में मकबूल नहीं, झूठे बयान ये बनाकर ये कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में शिरकत के लिए KPC काफिला कल सुबह फजर के वक्त रवाना होगा। काफिले के लिए 3 कंटेनर्स की तैयारी आखिरी मराहल में है। कंटेनर्स के साथ साउंड सिस्टम के लिए 2 बड़ी गाड़ियां भी होंगी। काफिले की क़यादत वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर करेंगे, उनके हमराह सूबाई वज़रा और अराकीन असेंबली भी मौजूद रहेंगे। और वज़ीर आला हाउस में हुए इजलास में जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। इस मौके पर वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान का कहना था कि रुकावटें हटाने के लिए ट्रेन और भारी मशीनरी भी काफिले के साथ ले जाई जाएगी। इजलास के बाद सूबाई वजीर ने PTI कारकुनों के साथ मिलकर वज़ीर आला हाउस के लॉन में पुशअप्स भी लगाए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जजेस कमेटी तब्दील कर दी। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी कमेटी से बाहर कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी के रुकन नामजद कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियोरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। ऑर्डिनेंस में दिए गए इख्तियार के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जजेस कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सीनियोरिटी लिस्ट में 5वां नंबर है। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी जजेस कमेटी के रुकन है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर केस को उसकी बारी आने पर सुना जाएगा। अगर कोई केस आउट ऑफ टर्न समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो उसकी वजह बताना होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और केस की समातों का ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग्स अवाम के लिए दस्तयाब होंगी। आईन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया है। नई जजेस कमेटी का पहला इजलास पीर को मतवक्के है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन बदल गई है। PTI का ऐवान में मौजूद वजूद ही खत्म हो गया है और असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक इंसाफ के तमाम अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा करार दे दिया है। तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI की 3 नशस्तें मिलेंगी। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। ऐवान ने PTI की नुमाइंदगी खत्म, नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं रहा। तमाम 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया था। कौमी असम्बली में नून लीग के 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशस्तें हैं। MQM के 22, काफिले के 5, IPP के 4 MNA
अमेज हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 JUIFA के 8 और 8 आजाद अराकीन ऐवान का हिस्सा हैं। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशस्तें मिलेंगी। इससे कबल स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपने मुरासले में कहा, इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुमर दिलशाद ने GNN के साथ गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर्स के खतूत के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इस खत के आने के बाद, स्पीकर के खत के आने के बाद, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। नंबर टू, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा मजबूत मौकफ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे आर्टिकल 222 के तहत हमें मुकम्मल इख्तियार हासिल हैं और हमारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पार्लियामेंट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। कमर दिलशाद ने ख्याल जाहिर किया कि इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर्स के खतूत सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। वेलकम बैक। JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती दिखाई नहीं दे रही, हुकूमत गलत काम के लिए बाजिद रही तो JUI रुकावट बनेगी। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुजवजा आईनी तरामीम का मकसद हुकूमत को तहफ्फुज देना था। इब्तदा में हुकूमत आईनी तरामीम का मुसवदा दिखाने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी और JUI को दिए गए मुसवदे में फर्क था। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। एक मुसौदा, फिर दूसरा मुसौदा और तीसरा मुसौदा और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तश्वीश में क्यों रखा जा रहा है? ये कंफ्यूजन है और पार्लियामेंटेरियंस अगर अपने कानून साजी के बारे में कंफ्यूजन का शिकार हो वो क्या इंसाजी और कानून साजी कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचों पे हैं, PTI भी अपोजिशन बेंचों पे है। अगर वो गलत चीज पर मुसर हैं कि हमने गलत काम करना है और उसके लिए जहां से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, फिर तो एक सौदागरी वाला एक काम होगा। हम इससे दूर रहेंगे और इंशाल्लाह उसूली सियासत करेंगे। बदकिस्मती ये होती है कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो अवाम की मुंतखब जो है वो नहीं हुआ करती, तो यही नतीजा निकलता है। हम इस हुकूमत को आवाम को नुमाइंदा नहीं कहते। मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि वो पूरा कर सकती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियां सामने आ रही हैं आवाम के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ती जा रही है। और ये जो आज पब्लिक जिसके पास मसौदा ही नहीं है लेकिन जज्बाती तौर पर कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहिए, ये वो पब्लिक की नाराजगी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आईनी अदालत के क्याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। PTI चाहती है कि ना पार्लियामेंट चले और ना ही अदालती निजाम। बानी PTI समेत तमाम सियासी रहनुमा अदालती इस्लाहात की बात कर चुके हैं। JUI के साथ आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की पूरी कोशिश करेंगे। बानी PTI को अपनी जात के अलावा भी सोचना चाहिए। आईनी अदालत का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल में रखे। आईनी अदालत के कयाम की बात मिसाके जमहूरियत में शामिल थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाति उमरा में मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली अब तक की मुशावरत बारे नवाज शरीफ को ब्रीफ किया है। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर भी मुशावरत की गई। दौरा अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर खोज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक का मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकरीरी भी गैर कानूनी करार दे दी। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तायनातियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वकील रेक्टर समीना मलिक ने बताया कि रेक्टर खराबी सेहत के सबब नहीं आई। हमने दरखास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया है जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त में समीना मलिक लिखा है जबकि मेडिकल सर्टिफिकेट में समीना राशिद लिखा हुआ है। बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया जिस पर वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपने इल्जाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है? चीफ जस्टिस बोले, हम खामोश हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस अहलकारों ने वकील रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। बाद में डॉक्टर समीना रोस्ट्रम पर आई तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती। जवाब में उनका कहना था कि मैं दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दे, सवाल के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस बोले, आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाए। रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। अगर रेक्टर बीमार है
हैं काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दे। बाद अज़ां अदालत ने रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक का मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत फैसला करे कि समीना मलिक को रेक्टर के ओहदे पर रखना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकरीरी भी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ के ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ज़िलाई हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर कर दिया गया। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ज़िलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर किया गया। महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पेड्स और दीगर जरूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज़ ने दूर दराज अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत पूरी करने पर जोर दिया और अजला में अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए फौरी दरकार तिब्बी आलात की फराहमी का असूली फैसला भी किया। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर-ए-सदारत PND के इजलास में सूबे में अवामी भलाई की 287 स्कीमों पर गौर हुआ। मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग दी जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब के खसूसी इकदामात पर गौर हुआ। सूबे में ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए अब तक की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग दी गई कि 206 स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं।